बाहर आने के कारण इस बार यात्रा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें जरूर शामिल हो। सॉरी प्रकाश, ही इज नो मोर। ये इसकी माँ ने इसका नाम पैडी रखा है। ये पत्थर तोड़ता रहता है। इसकी नई नई शादी हुई है, पत्नी से ये बहुत प्यार करता है। पत्नी से ज्यादा अगर इसको कुछ पसंद है तो वो है खाना। जब देखो खाता ही रहता है। क्या हुआ, जल्दी काम करो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, चलो। ये है शेखर, इसके पिता ने इसे राइस मिल दिया है, पर इसने विरासत में पिता के गुस्से को भी ले लिया। इसे गुस्सा कब आ जाए किसी को नहीं पता, और असल में क्यों आता है ये उसे भी नहीं पता। और ये है जनाब गणेश, शेखर का जिगरी दोस्त। ये समुद्र में मछली पकड़ता है और मार्केट में उसे खरीदने वालों को। अरे कामचोर, कब तक सोएगा, सूरत सर पे चढ़ाया है। पहले तेरा बाप उठ गया, ऐसा सोच रहे हैं क्या? वही जगह बदल दी बस, ये इसका रोज का काम है। उठता है, चाय पीता है, सो जाता है, फिर से उठता है, चाय पीता है, फिर सो जाता है। इसका नाम है आदि। सिर्फ आज ही ऐसा कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, ये इसका रोज का काम है। एक नंबर का गधा। ए, ठीक से देख के पकड़। अरे मेरे साथ आता रह, मैं तुझे काम सिखा दूंगा। ये देखिए ये फ्यूज बना रहे हैं, इनका नाम है देव, इस गांव के काम चलाओ इलेक्ट्रीशियन। देखा, सुबह सूरज उजाला देता है और ये देव रात को उजाला देता है। हाँ, बोला था ना, काम चलाओ इलेक्ट्रीशियन। करंट का भी कुछ यहाँ ऐसा ही हाल है। देखिए देखिए इनको जरा देखिए, इनका नाम है अमर, दिमाग कम बॉडी ज्यादा। गांव में इकलौती किराने की दुकान, तो भाई वजन तो बढ़ना ही है। एक रुपए का तेल दे। एक रुपए का तेल, ये बहुत छोटी है, बड़ी वाली क्यों नहीं लाई? चुप कर, जितना आएगा उतना दे, बकवास मत कर, हमारे पैसों से ही खा खा कर इतना मोटा हो गया है तू। इधर दे बुढ़ी।
नमस्ते बाबू। इसका नाम है धनराज, ब्याज पे पैसा देता है। के पास जाना बाबू, अभी दुकान खोला है मैंने, बोहनी भी नहीं हुई, कल देता हूँ ना। कहते रहोगे तो नहीं चलेगा। समस्या कोई नहीं है, लेकिन जब देता है तो दानवीर कर्म हो जाता है और मांगते समय दुर्योधन। तो भैया ये है मामला, हम सब एक ही गाँव में रहते हैं, काम अलग अलग करते हैं, लेकिन मिलते हैं एक ही जगह, वो जगह है कबड्डी को। हमारे लिए कबड्डी युद्ध भूमि की तरह है, कबड्डी में ही हमारी जान बसती है। अगल बगल के गांव में जब भी खेल का आयोजन होता है हम वहां जाते हैं, लेकिन कभी जीत नहीं पाते। हमें खेलना तो आता है लेकिन जीतना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगल बगल के लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन किसी न किसी दिन जीत का सेहरा हमारे सर पर बंधेगा, ऐसी हमारी आशा। पर भाई जिंदगी का दूसरा नाम आशा है, इसलिए हम आशा में जीते। एक है चारक, दूसरे ने खाता भी नहीं खोला। हमारे लोग कमाल कर रहे हैं। ए, अमर क्या कर रहा है यार, पागल कहीं का। कबड्डी 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 भाई। हाँ, क्या हुआ? मैं भी खेलूंगा। तू खेलेगा, देख नहीं रहा वो लोग जीत रहे हैं, चुपचाप खड़े रहे। से ज्यादा अंक अर्जित करें और जीत के दिखाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज तो बाल बाल बच गया। अरे छोड़ना यार, मैं धक्का देने का सिग्नल दे रहा था, ये सपोर्ट करने के बजाय पुतले की तरह खड़ा था। और तू क्या कर रहा था? कॉर्नर पर जाकर पैर रख दिया। वो क्या तेरा पैर पकड़ने के लिए खड़े थे वहाँ? वो सेंटर में आकर लात मार के जा रहा था और तुम खड़े होकर देख रहे थे। ए, वो रेफरी भी उनकी तरफ था। ए, आप सोचने से क्या होगा? अरे भाई, आने वाले यात्रा में हमें इसी टीम के साथ जीतना होगा। क्यों रे, ये हार काफी नहीं है क्या? इन्हें साथ में लेकर गाँव में भी हार गए तो गाँव वाले सब थूकेंगे हम पर। तो फिर किसे बुलाएंगे यार? है ना उपला टीम वाले, हमारे बोलते ही वो लोग आ जाएंगे। इस बार यात्रा में उन्हें ही बुलाएंगे, हम जीत गए ऐसा लगेगा, फिर हम गांव में कॉलर उठा के घूम सकते हैं। क्या बोलते हो, बुलाएंगे? क्यों बे, ऐसे क्या देख रहे हो? अब जो मुझे अच्छा लगा मैंने बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, इस बार उपला टीम को ही बुलाएंगे। मिले गांव वालों, इस बार हमारे गांव में यात्रा हफ्ते भर पहले ही आ गया, इसलिए कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। नमस्ते, ये देखो रामायण, आपस में बांट लो ये। जी जी, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। चलो। माँ, पटना से अपना प्रकाश आ रहा है, दोपहर का खाना उसके लिए भी बनाना। हाँ, ठीक है। ओए सूरी, मैं यात्रा में जा रहा हूँ, वो राजू कसाई 2 किलो बकरे का मांस लेकर आएगा, माँ को देकर खाना बनवा लेना और घर का सारा काम देख लेना। क्या है ये, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो? क्यों रे, यात्रा देखने सिर्फ तू अकेला ही जाएगा, उसका मन नहीं होगा क्या? वो भी जाएगा तो यहाँ काम कौन देखेगा? तू और वो नहीं होंगे तब भी कोई बात नहीं, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी, तू इसे यात्रा जाने को कह। ठीक है, तू भी यात्रा चला जा। आ जा
उसे देखा गया? अभी अभी उसकी मूछें आई हैं और मुझसे पंगा लेने चला है। अभी बताता हूँ। अरे भाई वो आ रहा है। और तेज हो रहा है भाई। चला जल्दी। अरे क्या भाई जीत गया भाई, अपना भाई जीत गया, जीत गया। ये क्या भाई, आखिर में उसे आपने जाने दिया, देखो वो सूरी कैसे उछल रहा है। अरे जाने दे यार, उसे जीतने दे। बचपन में बस के पास बुलाने के लिए हमने कितने प्रयत्न किए। उसका चेहरा देख कितना खुश लग रहा है, यही मेरे लिए काफी है। मैं जा रहा हूँ माँ। अरे 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 रुक जा, सारे ली तो खा कर जा। अरे रुक जा बेटा, कुछ तो खा कर जा, रुक तो। अरे रहने दो माँ, आके खाऊंगा। अरे मोटे, बिना कुछ खाए मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहा है तू? खुद तो खा खा कर ढोल जैसा बन गया है तू। क्यों भाई, तूने नहीं खाया मुझे खिला दिया। मैंने कहाँ खिलाया, तू खुद ही कह रहा है ना। रहने दे। कहाँ जा रहे हो? यात्रा देखने चाचा जी। एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। वैसे उस दिन कबड्डी खेलने के लिए गए थे ना, क्या हुआ? एक पॉइंट से हार गए चाचा जी। मैं मिले गांव 26 पॉइंट से हार गया। ए, मेरे मरने से पहले कब तो लाकर दिखा दो मुझे, ताकि मैं चैन से मर सकूं। सूरी, इस बार खेल में जीते या हारे, आते समय एक कप लेकर के आएंगे, वरना गाँव में इज्जत चली जाएगी। देखता हूँ पेपर में क्या खबर है। अरे वही पुरानी खबरें छपी हैं। उसे देख, अपनी चाय खुद ही पी रहा है। क्या बे बटले? ए, सूरी, कब आया तू गांव से? कल ही तो आया। तू अपनी दुकान की चाय खुद ही बैठ के पी रहा है। तो और क्या करूं? वो औरत चाय अगर पूरी खत्म नहीं हुई तो मुझे मार देगी और दुकान को बंद कर देगी, तू जानता भी है। कौन बे? अरे मेरी सास, सबका शनि सर पर रहता है लेकिन मेरा घर पे रहता है। खैर वो सब छोड़ो, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। रहने दे, चल। कहाँ चलूँ? यात्रा में। यात्रा में? एक मिनट रुक, बीवी से पूछ के आता हूँ। ठीक है जा। क्या मंगा? सूरी आया है, यात्रा में जाने के लिए बुला रहा है, मैं जाके आता हूँ ना, मान जा। जाएगा जाएगा, सकल देख, क्यों नहीं जाएगा। बड़ा जमींदार जो है आवारा बन के घूमता रहता है पूरे गाँव में, ऐसे लोगों के साथ घूमेगा तो और कैसी आदतें पड़ेंगी तुझे। जा। क्या करूं मैं इस बुढ़िया का, मेरा बस चले तो इसके चेहरे पे तेजाब फेंककर इसे जला दूं। मान जाना मंगा, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है, जाकर जल्दी आ जाइए। ठीक है ठीक है। ये बुढ़िया घर पे ही मरेगी, कहीं बाहर जाके मरती तो अच्छा होता। इसके आने तक प्रसाद पूरा खत्म हो जाएगा यार। क्यों रे, चलें क्या? मैं रेडी हूँ, चलें। क्या पूरा खाएगा तू? जब देखो खाता रहता है, निकाल इसे, इसको पकड़ो,
और अंदर जाओ। अब चल, यात्रा शुरू होने वाला है, चल। यो भाई, कल पूरा दिन दिखाई नहीं दिए। क्या बात है, आजकल हमारी भाभी भी नहीं दिखी। अरे चुप रहो, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या कह रहे हो। हमारे भैया शेर हैं लेकिन बिस्तर पे नहीं है। तुम हमेशा ऐसे ही हो। चलो चलो चलो। अरे आओ प्रकाश आओ, तुम्हें दो दिन पहले आना चाहिए था ना। और तुम कैसी हो? अच्छी हूँ भैया। तुम आ रहे हो ये मैंने माँ को बता दिया है, खाना खा लेना वहाँ। अच्छा ये बताओ माँ कैसी है? अच्छी है। तुम्हारा पेट बाहर आ गया है, बुड्ढे हो गए हो। तू कम है क्या, तेरे बाल भी उड़ गए हैं। भाई तुम कुछ भी कहो, मैं तो नहीं मानने वाला। क्या है वो? कि मेरी उम्र हो गई है। क्या यार, अभी भी वैसी बातें करता है। साहब पूजा शुरू होने वाली है, आपको बुला रहे हैं। ठीक है चल। जी हाँ हाँ चलो। अरे कहाँ रहा, पीछे हट। आ गया आके। सीढ़ी मार, सीढ़ी मार। अबे बेवकूफ, वहाँ देख बे, ये स्पीड रेस नहीं है, स्लो रेस है, इसलिए अपनी सांस से हमेशा दांत खाता रहता है। माँ भूख लग रही है, खाना दो ना जल्दी। क्या खाना खाना चिल्ला रहा है, अब सुबह कह रही थी खा कर जा, खा के जा, तब तो मेरी बात सुने बिना ही चला गया, और अब भूख भूख चिल्ला रहा है यहाँ बैठ। बेवजह में बकवास मत करो, पहले खाना दो। ये क्या माँ, एक बार में इतना खाना मत दिया करो, निकालो पहले। निकाल लिया, अब खा ले। क्या निकाल लिया, पूरा तो वैसे ही है, थोड़ा और निकालो ना। इतना भी नहीं खाएगा तो मेहनत कैसे करेगा, अच्छे से खा। ये देख तुझे पसंद है इसलिए मैंने मुर्गी बनाई है। आजा भाई बैठ, आ रहा हे। सुबह डांट खिलवाया था, उतना काफी नहीं है क्या? क्या माँ मुर्गी ठीक से नहीं बनी? नखरे मत कर, पिछली बार जब आया था तब नमक ज्यादा है ऐसा कह रहा था, और अब कह रहा है ठीक से नहीं बनी है। पेट भर गया, अब तुम खा लो। अरे अरे ये क्या, हाथ क्यों धोने लग गया तू? जा जा, कल जब तेरी पत्नी तुझे घास फूस खिलाएगी और तुझे खाना पड़ेगा ना, तो माँ की याद आएगी तुझे। चलना, वो जब आएगी तो देखेंगे। क्यों रे, वहां से तू कभी कभार ही घर आता है, आने पर जब माँ प्रेम से मुर्गी बना के देती है तो तू उसमें से कमियां निकालता है, दिमाग नहीं है क्या? क्यों रे, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तू बोल नहीं रहा। मेरी माँ हमेशा रूखा सूखा ही खाती है, मेहनत से कमाए हुए पैसे हमेशा छुपा कर रखती है, और जब मैं घर आता हूँ तो मेरे लिए मुर्गी बनाती है। अगर मैं बोलूँ अच्छा है तो सबके सब मुझे ही खिला देगी और खुद रूखा सूखा खा लेगी, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। मुझे माफ कर दे यार, मुझे पता नहीं था। हे कोई बात नहीं, चल। ठीक है भाई चल, तू जा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों चाचा, इतनी उम्र में ये सब करना ठीक नहीं है, छोड़ो मैं ले चलता हूँ। अरे दूर जाके जला, रोज बीड़ी पीता है, सारा धुआं मेरे पेट में जाता है, मेरा क्या होगा। चल जल्दी से मेरे पैसे दे। ये पकड़, ये क्या है, ये आधा रुपया इस बीड़ी का है। बीड़ी एक रुपए की है, आधा रुपया क्यों दे रहा है? तूने कहा था ना आधा धुआं तू ही पी रहा है, इसलिए ज्यादा होशियारी दिखा रहा है। सच कह रहा हूँ, तेरी तो ये पेरू कब का बेच रहा है। चल क्या रे, यहाँ क्या कर रहा है? दम मारने आया हूँ, तू कहाँ जा रहा है? मैं यात्रा में जा रहा हूँ, आएगा क्या? नहीं बे, सुबह से थोड़ा काम है,
मैं निपटा के आता हूँ। ठीक है। क्यों बे, पार्वती से तू मेरे बारे में क्या बोलता रहता है? के लिए है। अगली यात्रा में लूंगा। यहाँ क्या कर रहा सूरी? खेतों में जाना है। सोडा पिएगा क्या? नहीं चाहिए यार, नई पैंट नई शर्ट क्या बात है, एक चाय देना। हाँ भैया। ए सूरी, वो सफेद ओढ़नी वाली लड़की तुम्हें देख अभी रही है? नहीं, वो लड़की 5 दिनों से मुझे देख रही है। क्या कहा? हाँ यार, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये क्या कह रहा है, हमेशा तू मेरे साथ रहता है, ये कब हुआ? यात्रा में हम दोनों ने बात की थी। क्या बात करी थी? ऐसी थोड़ी बहुत, राजमंड्री के कॉलेज में पढ़ती है। हमारे यात्रा के लिए अपनी भाभी के घर आई थी, आने वाले यात्रा में भी आएगी ऐसा बोल रही थी। मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। पागलों की तरह बात मत कर, ऐसे यात्रा में मिलना बात करना मामूली बात है, इतनी सी बात पे तू शादी और प्यार तक पहुँच गया, चोट खाएगा। ए, चुप करना। हाँ चुप हो जाता हूँ, लेकिन जो लड़की इस यात्रा में आई वो अगली यात्रा में भी आएगी, क्या भरोसा? ए, तू अपना काम कर, वो जरूर आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। क्या पता भाई, मुझे तो भरोसा नहीं है, वो लड़की तुझे देख के हाथ हिला के चली जाएगी, उसके बाद तुम पागलों की तरह घूमते रहोगे। ए, जा बे। हाँ हाँ जाता हूँ। अरे तेरी चाय का क्या हुआ बे? संभल कर जाना बेटी। हाँ ठीक है, पहुँच कर मुझे फोन करना। ठीक है। चाचा
क्यों रे सूरी, कैसा है? अच्छा हूँ चाचा, सोडा पियेंगे क्या? वापस आने के बाद पीऊंगा, अभी जा रहा हूँ। ठीक है चाचा, अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाइएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, संभाल के। ठीक है बेटी। नाम भाई, फिर से सूरी रेस लगा रहा है, देखो। ऐसी बात है क्या? आने दो, इसके लिए ये खेल बन गया है। इस बार देखता हूँ ये कैसे जीतता है। लाते मुझे। ए कोंडा, बेवजह गुस्सा मत हो। अनगापुरम में मैं रंगा को जानता हूँ। सूरी के बारे में मैंने उसे बताया ना, तो वो सूरी के दो टुकड़े करके फेंक देगा। वो सूरी ने मुझ पर हाथ उठाया है, उसके हाथ मैं अपने हाथों से काटूंगा। आज ही रात मैं उसे मार डालूंगा। ए, जबरदस्ती मत कर। वो दरोगा के यहाँ काम करता है, उसके साथ हमेशा 3-4 लोग रहते हैं। अगर तू गलती से भी वहाँ गया ना, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे वो लोग। इसीलिए कह रहा हूँ, उसकी कहानी गांव में ही खत्म कर देंगे, कहा था ना। ए, कमीने अपना मुंह बंद कर। उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा, ये बोलू क्या? इससे अच्छा तो वो मुझे अपने हाथों मार ही डालता। ए, चिंता मत कर, वो रोज सुबह दूध लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, हम उसका वहीं पर गेम बता देंगे। कह रहे शेखर, आदि अभी तक नहीं आया। अरे वो देखो, साइकिल पर आ रहा है। साइकिल नहीं, मोपेट है। इसकी डब्बा गाड़ी से तो साइकिल ही अच्छी है। क्या रे, सबने यहाँ मीटिंग लगा रखी है, कुछ अर्जेंट है क्या? गांव के प्रेसिडेंट ने राजीनामा दे दिया है, अब तुझे प्रेसिडेंट बनाना है। ओए, क्या बोला? अबे रुक यार, कुछ नहीं बे, आज से कबड्डी का खेल शुरू हो रहा है। कहाँ पर? राजमंड्री में। किसने कहा तुमसे? बगल वाले गाँव में अमर ने पोस्टर देखा, फर्स्ट प्राइज 30,000 रुपए है। अच्छा है, तुम्हारे पास पत्नी नहीं है पर शादी करनी है, ऐसी है तुम्हारी कहानी। छोटे छोटे खेल तो हम जीत नहीं पा रहे, और इतना बड़ा खेल। छोड़ो वो सब बातें, 30,000 है, खेलेंगे ना हम। कब तक ऐसे छोटे छोटे खेल खेलते रहेंगे? अब ऐसे में वहाँ एक भी खेल नहीं खेलेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना, तो इसलिए जाना चाहिए। अरे भाई, सूरी जो कह रहा है वो सच है। ये कभी नहीं हो सकता। बाहर निकलने से पहले फ्यूज बल्ब की तरह बात मत कर। अरे एंट्री के लिए इतने सारे पैसे मांगे। एंट्री की फीस मैं भरूंगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक, एंट्री फीस तू भरेगा, ठीक है, आने जाने में भी तो खर्चा होगा कि नहीं। तू नुक्स मत निकाल, लोड हुई सारी लॉरी राजमंडी जाती रहती हैं। उसी लॉरी में जाएंगे, उसी लॉरी में वापस आएंगे। पर रहेंगे कहाँ? हम वहाँ पर घर बसाने नहीं जा रहे हैं, तू हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा बता। हाँ तू अपना बता। ठीक है मैं भी चलता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आज तक हमने कैसे भी खेला हो, पर इस बार हमें जीतना ही है। भाई तुझे क्या हो गया, क्या सोच रहा है? सब जीतने हारने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे। हम बात करेंगे ना। तुम लोग मेरी माँ को तो जानते ही हो। तेरा बाप जिंदगी भर कबड्डी कबड्डी करता रहा, उसी में सब उजड़ गया, अब तू भी वही करने जा रहा है। जा, जैसी तेरी मर्जी, मैं समझ लूंगी मेरा बेटा मर गया। जा यहाँ से। हे विघ्नेश्वर, तुम्हें मेरे बेटे के साथ रहना होगा। क्या हुआ?
बेटा खेलने जा रहा है, तुम रो क्यों रही हो? मैं चाहती थी मेरा बेटा बड़ा होकर मिलिट्री में जाए, पर ये तो इस खेल के बीच। अरे जाहिल कहीं की, इसकी साइज को देखकर इसे मिलिट्री में तो क्या म्यूनिसिपैलिटी वाले भी नहीं लेंगे। माँ पानी लेकर क्या हो? तू आज तक किसी खेल में नहीं जीता है, तू इस बार भी नहीं जीतेगा, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। क्यों पापा, मेरे माथे पे टीका लगा रहे हो और आप शकुन की बातें भी कर रहे हो? मैंने कह दिया तो तुम हार जाओगे क्या? वैसे भी तुम्हें इसकी आदत है ना। बेटा खेल में हार जीत की परवाह नहीं करते हैं, हार गए तो भी कोई बात नहीं, दूसरे गांव वाले आके यहाँ पर खेलेंगे, हमारी टीम ने उन्हें अच्छी टक्कर दी है, ऐसा उन्हें बोलना चाहिए। ये होती है असली मर्दानगी मेरे बेटे। माँ आता हूँ मैं। काम पर जाने पर भी पेट नहीं भरता, ये खेल कूद करने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे मत कहो ना जाने से पहले। बात वो नहीं है बेटा, तेरे अलावा मेरा है ही कौन, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जब देखो वही बात वही बात वही बात। क्या माँ, जा रहा हूँ मैं। संभल कर बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। सुनिए जी। क्या है डार्लिंग? मेरा मन कर रहा है कि मैं भी आपका खेल देखूं। क्या मैं आपके साथ चलूं? बात ये नहीं है, लड़कों के साथ में खेलने जा रहा हूँ, अगर साथ में तुम्हें लेकर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या डार्लिंग, समझो ना। और बाकी की बातें वहाँ से आने के बाद में करते हैं। क्यों जी, मुस्कुराओ डार्लिंग। अरे 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 वैसे भी टीम में लड़के ज्यादा हो गए हैं, कमीने हैं, जाके दरवाजा बंद कर लो, जाओ। सुनिए, अब क्या हुआ डार्लिंग? जरा संभल कर खेलिएगा, अगर कहीं चोट लग गई तो फिर। तेरी एक समस्या और मेरी एक समस्या, कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ। ये पैदी भी अभी तक पी रहा है, अपने गांव नहीं जा रहा है क्या? हे अब तक ये लोग आए क्यों नहीं? उधर देख वो आ गया यार। देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। सॉरी। अरे पैदी अपनी बीवी को अकेले छोड़ के आ रहा है। वैसे तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं भाई, साथ में कोई नहीं है ना, इसलिए ऐसे कह रहा हूँ। तू खेलने के लिए आ रहा है ना? नहीं भाई, मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। तू हमारे साथ जरूर आएगा बस। देखा ना, इसे कहते हैं डर लगना। होशियार बनता है क्या? देवड़ू अभी तक नहीं आया क्या? गणेश को लाने के लिए गया है। चल, पिताजी, अंदर जाओ, एक बार जाने अंदर जाओ। पिताजी, सुबह उठते ही कबड्डी कबड्डी करके पूरे गांव में घूमते रहता है। मुझे एक बार जाने दीजिए पिताजी, कबड्डी का नाम लिया तो फेंक दूंगा। मुझे एक बार जाने दीजिए पिताजी। ये क्या है यार, ये तो जान खा रहा है। तू रुक, जल्दी करो, मुझे निकलना है। भाई और दो लोग आ रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। जो करना जल्दी करो। 2 मिनट रुकिए भाई, बस आ ही रहे हैं। वो देख भाई, देबू आ रहा है, जल्दी बुलाओ। देखो आ गए हैं। क्यों बे अकेले आया, गणेश कहाँ पर है? वो नहीं आएगा। क्या बोल रहा है यार तू? हाँ यार, उसके पिता ने उसे घर में बंद कर दिया है। हे, अब हम क्या करेंगे यार? ए भाई लग, मैं जा रहा हूँ, हाँ इस बार मैच जीत के आना। अरे सुन तो। हाँ, तू हमारे साथ खेलेगा क्या? क्या कहा? मैं जाऊं? मेरी सास मार डालेगी यार। ए इसे उठाओ रे। बीड़ी जलाइए जिगर से पिया, जिगर में बढ़िया है। ए सूरी चल ना। राजमंत्री में कबड्डी का खेल देखने आवे सभी दर्शकों। वहां देखना, वहां चलते हैं। आजा चलिए। अरे बाप रे, क्या स्टेडियम है, इस बार हम ही जीतेंगे, देखना मजा आएगा। देखो कितनी खातिरदारी। ए ये तुम्हारे लिए नहीं, प्लेयर्स के लिए। हम भी प्लेयर्स हैं। तुम भी प्लेयर्स हो। तेरी तो हो गई तसल्ली। वो हम एक रंग के कपड़ों में नहीं है ना, इसलिए पहचाना नहीं। हम लोग यहाँ नहीं जीतने वाले, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ खेलना मुमकिन नहीं होगा, जो कह रहा हूँ वो समझो बेटा। सर हम अच्छा खेलते हैं सर। नहीं बेटा, इस टूर्नामेंट में सेलेक्ट होने वाले लोग ही खेल सकते हैं, जिद मत करो बेटा, जाओ। सर बहुत दूर से आए हैं हम,
फीस भी भर देंगे सर। ए, पैसा निकाल दो। अरे तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? वो बात नहीं है सर, बस एक बार प्लीज। नहीं हो सकता, जाओ। सर भीमले से आए हम लोग। अरे जाओ यार। सर एक चांस तो दीजिए ना सर। ए सूरी। ए सर। सर सर आप इन लड़कों को जानते हैं? जानता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर खेलने के लिए आए थे सर। खेलने के लिए? सर मैं समझा रहा हूँ, ये समझते ही नहीं है। ठीक है मैं बात करता हूँ। देखो सूरी, ये गांव में खेलने जैसा मैच नहीं है, स्टेट टूर्नामेंट है। बात समझ में आई? देखो भाई, एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही टीम यहाँ पर खेल सकती है और टीम एक महीना पहले ही सिलेक्ट हो जाती है। सर हम बहुत उम्मीद करके आए थे सर। बिना सोचे समझाओगे तो कैसे होगा? देखो वहाँ क्या लिखा है, बाहर की टीम को अनुमति नहीं है। ठीक से देखा नहीं सर। सर आप बोल दे तो खेलने मिल जाएगा सर। नहीं सूरी, थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो कॉफी टी पीते हैं। नहीं सर, रहने दीजिए। प्रैक्टिस पूरी हो गई है, रूम में जाऊं क्या? तुम लोग यहीं रुको, कल रात को मैच है। चलो भाई। अबे मोटे, पोस्टर पढ़ा नहीं था क्या? बाहर की टीम को एंट्री नहीं है। सफर करते हुए बस में ठीक से दिखाई नहीं दिया यार। इतनी दूर से आए, सब बर्बाद हो गया, सब इसकी वजह से। ए, मैंने जानबूझ के किया क्या? चुप कर, अब करेंगे क्या? हाँ, पराठा खाए क्या? भूख लग रही है यार। चलो फिर। ये देखो इसको मिला के 38, यही 39। बस भाई हो गया, अब और नहीं खाऊंगा, पेट भर गया मेरा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर शर्त के पैसे निकाल। क्या देख रहा है, निकाल जल्दी पैसे निकाल। ये लो, मुझसे शर्त लगाया। इसका बिल कितना हुआ? 22 रुपए। कितना बिल हुआ भाई, जल्दी से बता दो। चाहिए तो और पराठा खा ले, पर पैसा नहीं मिलेगा भाई, मुझसे तो नहीं होगा, आप लोग खिला कर जान से मार दोगे। ये लकीर किस बात की है? अरे ये शर्त की लकीर है, एक आदमी ने 50 पराठे खाएगा, ये शर्त लगाई और हार गया। शर्त हम लोग लगा सकते हैं क्या? कोई भी लगा सकता है, इस मोटे के अलावा। अरे शर्त क्या है? शर्त ये है, एक आदमी 50 पराठा खाएगा, पर हम जैसा देंगे वैसा खाना होगा। अगर सारे खा लिए तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। ऊपर से तुम जो भी खाओगे उसका पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम लोग हार गए तो मुझे 100 रुपए देना। क्यों भाई, समझ गए ना? 50 पराठा। हाँ, अब ये शर्त मुझे मंजूर है। ये लो, ये लो। पैडी के बारे में नहीं जानता है, शर्त लगा दिया उसने, काम हो गया उसका। 4। हाँ मेरे को 2 दे। काम हो गया इसका। ए पराठा कहाँ गया? हाँ? तुम्हारे आने तक मैं उसकी खुशबू लेके बैठा हूँ क्या? खत्म हो गया, जा लेके आ। ए, ये बाल्टी रख के जा, जा। हमसे शर्त लगाएगा? ए, देखना उसको। शंकर। पचास खा लिए, बस 50 हो गए। अरे 42 हुए। अरे मैं भी गिन रहा था। अरे मैं परोस रहा हूँ, मुझे पता है ना 42 हुए। मैं खा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है क्या? अरे तू झूठ बोल रहा है, 42 ही हुए। मैं नहीं मानूंगा, तूने गिनती में झोल किया है, मैंने खाए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से पहले से खाऊंगा। ए भाई, तू जाके गिनती कर यार। ठीक है। हेलो सर। हेलो, ही इज माय फ्रेंड अफजल। ओ हाय भाई, इस बार भी तुम ही जीतोगे। ओके फिर मिलते हैं। हाय दिनेश, कैसे हो? भूल गए क्या, नेशनल टूर्नामेंट में मिले थे ना? अर्कोलो स्टेट्स। क्या बात है, एकदम सही पकड़े। इसके बाद कौन सा मैच है? तीसरा है सर। ये मेरी बीवी, ये मेरी बेटी। मेरी बेटी को तुम्हारा गेम बहुत पसंद है। ओह अच्छा, आपका नाम? दिव्या। नाइस नेम, थैंक यू। ओके है दिनेश। सर यहाँ पर क्या कर रहे हो? फैमिली फ्रेंड्स आए सर। ऐसे समय बर्बाद करोगे तो कैसे खेलोगे तुम? खेलने के लिए आए हो तो सिर्फ खेल पर ध्यान दो, जाओ नींद पूरी करो, रूम में जाओ। बस 5 मिनट सर। नो, सॉरी सर, बाद में मिलता हूँ। कोई बात नहीं। जान बूझ के सबके सामने इंसल्ट कर दी। क्या यार सर, ऐसे गुस्से में बात कर रहे हैं? तो क्या, इतनी बड़ी टीम को संभालना आसान है क्या? सच है यार। ये हुई ना असली बात।
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस तरह एक और खिलाड़ी आउट हो गया है। बहुत ही शानदार खेल चल रहा है दोनों टीमों के बीच। खेल भी सकते हैं, दर्शकों में बराबर उत्साह भरा हुआ है। क्या भाई, जैसे वो लोग खेल रहे थे हम नहीं खेल सकते क्या? वैसे हम खेल भी सकते हैं। जल्दी से एक चाय बनाओ भैया। कितनी चाय बोलूं? 5 चाय। चाचा 5 चाय देना। ये सूरी और अमर कहाँ पर है? यहीं पर होने चाहिए। चाचा बीड़ी है क्या? नहीं है बेटा। मैं जाके बीड़ी लेके आता हूँ। चिल्लर है कि नहीं? एक बड़ी सिगरेट दे। ये तो लेके जाना। चाकू की तरह बड़ा होना चाहिए। ये है सबसे बड़ा, ले। नहीं तो लंबी चाकू तेरे पेट के अंदर घुसेड़ दूंगा। दीदी एक बीड़ी दे दो दीदी। तू कौन है? हम यहाँ पे बिजनेस मैटर सेट कर रहे हैं और तू बीच में आके उंगली कर रहा है? तेरी तो पागल कहीं का। क्या ये, कोई भी आता है तू उसे पहले दे देती है और मैं यहाँ पे खड़ा तुझे बेवकूफ लगता हूँ क्या? शोर हो रहा है, पी के दंगा कर रहा है यार। कौन है यार? अरे है कोई बेवड़ा यार। हमें भी खेलने का मौका देते तो कितना अच्छा होता। कितना मना है लेकिन मान ही नहीं रहे। खेलने देते तो क्या चला जाता। अरे माफ कीजिएगा, गलती से धक्का लग गया। कोई बात नहीं। ए रुको, कौन से गांव के तुम लोग? भीमली। सुंदर लड़की देखी तो उसे धक्का मार दोगे? इस गांव में कोई मर्द नहीं है ऐसा सोच रहे हो? मैं हूँ। क्यों बे, धक्का मारेगा क्या? वहां से चल के एक बार आइए आप। क्यों गाए? कैसे धक्का मारा दिखाने के लिए कहा ना आपने? मुझसे होशियारी कर देते। उसने दारू पी हुई थी, क्यों मारा उसे? अरे सही किया, टपरी के पास कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। मुझे तूने लात मारी है? क्या हो रहा है यहाँ? हमारे गांव की लड़की को धक्का मारा है सर, पूछा तो मुझे मार रहे हैं ये लोग। नहीं सर, पी के झगड़ा यही कर रहा है। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। इसने तुम्हें धक्का दिया? नहीं सर, यही पीकर झगड़ा कर रहा था। नहीं सर, चल यहाँ से। चल, देख लूंगा तुम लोगों को। मेरे गांव में आके मुझे पकड़वाया, छोड़ा नहीं तुम लोगों को। यार उसे बेवजह झगड़ा कर लिया, वो जानबूझ के ये कर रहा था। कहीं गुस्से में आकर उसने कुछ कर दिया तो। हम लोगों को अभी के अभी गांव निकलना चाहिए। हाँ ठीक है यार, सर को बता के चलते हैं। ठीक है, अब बताइए हम लोग क्या करें? इसमें क्या है, करीमनगर जीत गया ऐसा अनाउंस करते हैं। ऐसा करेंगे तो पेंटिंग वाले झगड़ा करेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, करीमनगर के साथ खेलने वाली चित्तूर टीम, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, गांव वालों ने बताया। पूरी 12 टीमों के साथ ये टूर्नामेंट हम करा रहे हैं, अब दूसरी टीम हम कहां से लाएंगे सर? प्लीज सर, एक बार प्लीज। हां सर प्लीज। अरे सुनो भाई, आने दो उन्हें। इन लड़कों को चित्तौर टीम की जगह पर रखते हैं, ये भी कबड्डी प्लेयर्स हैं। ये बड़ा मैच है सर, अगर ये लोग हार गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी सर। इनका खेल मैंने देखा है, अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ना तो खेलने देते हैं। हमारे लिए भी ऑडियंस आई है, 15 लोगों ने ताली बजाई हमारे लिए। अपना काम करना। बोथ द टीम्स, भीमली टू रेड। कबड्डी 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 तुझे दिखने लायक क्या? और तुझे क्या हुआ? बोलना बोलना क्या हुआ? उसका कान गया बे। गाँव से यहाँ लाकर मुझे पिटवा रहे हो, इससे अच्छा तो मैं उस बुढ़िया की गालियाँ ही खा लेता। वैसे मुझे अब जाना तो नहीं पड़ेगा ना। अरे पहले वो आउट हुआ है, वो जाएगा। इस बात लगता है मेरा की माई बना देंगे। बच गया मैं।
कबड्डी 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 अरे पकड़ पकड़ देवड़ू पैर पकड़ यार क्या साहब इन्हें किसने बुलाया इन्हें तो खेलने भी नहीं आता वो देखो उन्होंने कहा था कि वो अच्छा खेलते हैं हे भगवान ए भाई पहले लकीर पे एक पैर रख के दूसरा पैर ऊपर उठाना होता है हाँ मुझे पता है कबड्डी 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 क्यों ठीक से कर रहा हूँ ना मैं कबड्डी हाफ टाइम खेलेगा खेलेगा यही खेल रहा है बात वो नहीं है यार बात मत कर शेखर सर कोई बात नहीं तुम लोग अच्छा खेले नहीं सर वो हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ ठीक है तुम लोगों के पास पैसे कितने हैं गांव जाने के लिए काफी है सर ठीक है दो हे पैसे निकाल हाँ ये लो सर ए छोटू इधर आ सबके लिए दो दो एप्पल जूस लेकर आ जो पैसे बचेंगे वो तू रख लेना ठीक है ठीक है पहले जूस पियो फिर अच्छा खेलो अब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचा है ये मैच जीतोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे और उसके बाद तुम लोग गांव जा पाओगे यार मेरे को तो डर लग रहा है यार hey, तुम डर क्यों रहे हो क्या हुआ उस दिन तुम लोग गांव में क्या कह रहे थे जो भी टीम हमारे गांव में आएगी वो जीत कर नहीं जा पाएगी कहां गया वो जोश क्या हुआ तुम्हारे खिलाफ जो खेल रहे उनके दो सिंह है क्या उनके पास भी तुम्हारी तरह दो हाथ और दो पैर हैं ये भी तुम्हारा ही गांव है तुम्हारी ही मिट्टी खेल का वो आखिरी मिनट तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी कबड्डी में लोगों का तू पाव पकड़ेगा जाके ऑफिस में पाव पकड़ नौकरी मिल जाएगी तुझे तेरा गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है ए, कितनी बार खेला पर एक भी बार जीता क्या खेलने वाले बहुत सारे हैं पर जीतने वाला ही मर्द होता है तेरे जैसे हारने वाला नहीं जीतना होगा बेटे जीतना होगा जीतने वाले के लिए ही दुनिया में इज्जत है सम्मान है हाँ। चल जा मैं समझूंगी कि मेरा बेटा मर गया जा तुमने खाने और सोने के अलावा किया क्या है खेलने का काम नहीं है ए, इंसान पैदा होने के बाद पैदा करने वाले का नाम रोशन करना चाहिए ये होता है इंसान का काम जो तुझसे सब नहीं होगा छी ए, तेरा कैमरा पकड़ मैं सिगरेट पी गया था पकड़ 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 पीछे उठ जा उठ जा उठ जा कोई बात नहीं होता है कभी कभी चल जा बाहर बैठ जा कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी। लास्ट रेट सब तेरी वजह से हुआ, हार गया ना जीता हुआ मैच हम। मैंने जानबूझ के किया क्या? आदि यहाँ। उसे छूने की कोशिश किए बिना लाइन के पास रहे, जब वो तुझे पकड़ने आएगा तब लाइन पार करना, समझ गया? ठीक है सर। अब जा। कबड्डी 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 क्या हुआ बे? अरे भाई हा? कितने लोग तालियां बजा रहे हैं देख। फीलिंग क्या? हाँ, और तुझे? मुझे भी यार। चलो दोनों बाहर जाके बहुत फील करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खेला। चलो बेटी चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खेला। क्यों आदि, आखिरी मिनट में दोनों को आउट करके क्या कमाल किया। प्रकाश सर का आइडिया था। खुश है ना तू? नमस्ते बेटा। नमस्ते। राम कृष्णा है। बचपन में मैं भी कबड्डी प्लेयर था। तुम लोग बहुत अच्छा खेले, कमाल कर दिया। कौन से गांव से हो? भीमली से। भीमली? अरे बगल वाले टाइगर पल्स में ही तो मैंने शादी की है। मेरे मामा जी वहाँ के सरपंच हैं। सरपंच है क्या? वो तो मेरा रिश्तेदार है। इस हिसाब से तो तुम भी मेरे रिश्तेदार हुए। वो अरे कैसे? वो ऐसा है कि मेरी बीवी टाइगर पल्स की है, उनके भैया की बहन के भांजे की बेटी की ननद, उनका भाई, उसने सरपंच के तीसरी बेटी से शादी की। और जिस अपने खानदान की पूरी जानकारी बता रहा है, अमरावती शना कायला। अरे पापा, अमरावती शना कायला नहीं, अमरावती विद्यावती। इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अमरावती विद्यावती। तो अब तो तुम सारे रिश्ते समझ ही गए, उसी रिश्ते से हम सब रिश्तेदार हुए। सर हम चलते हैं। सर क्यों कह रहे हो? मामा कह के बुलाओ ना। मामा जी वो कैसे? ए, मामा जी कह के पुकार, वरना बोल बोल के मार डालेगा। हा? क्या कह रहा है वो? हाँ बिल्कुल, मामा जी ही हुए। बेटे तुम लोगों ने जो 7 नंबर प्लेयर को पकड़ा ना, कमाल कर दिया, सुपर्ब, मजा आ गया। ठीक है मामा जी हम चलते हैं। सुनो बेटा, अब मामा कह ही दिया है तो हमारी रिश्तेदारी हो गई, पहचान हो गई, एक हो गए। कल हमारे घर में तुम सब के लिए दावत है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं। सुनो बेटा, कल मैं खुद आकर तुम सबको अपने घर लेकर आऊंगा। क्या भैया आप यहाँ पर खड़े हैं? अरे जो जीते हैं वो मेरे रिश्तेदार के बच्चे हैं। रिश्तेदार के बच्चे? हाँ। वो कैसे? वो ऐसा है कि अब मेरी बीवी टाइगर पल्स की है ना, उनके भैया की। वो यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा है, घर जाएंगे तो पता नहीं क्या खाना खिला के वो हमें खा लेगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कहाँ बैठू, कहाँ बैठू, कहाँ बैठू, कहाँ बैठू, यहाँ बैठा था, यहाँ नहीं। देखा इसे, बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा और सबसे पहले आकर बैठ गया है। आ गया खाना। अरे अरे ये क्या बेटी, उस लड़के को अंडा नहीं दिया? अरे माफ कीजिएगा, भूल गई। पकड़ गई का। बेटा सबको अच्छे से परोसना, अंडा देके तुम्हें चारे में फंसा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अंडा अच्छे से खाना, पेट भर के खाना बेटा। अरे कौन है ये सब? अरे माँ मैंने बताया था ना, हमारे रिश्तेदार के बच्चे हैं। इन सब की शक्ल और इन सब का व्यवहार देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। माँ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, एक बार टाइगर पल्स में तुम्हारे भैया की बेटी के देवर की बेटी के शादी में शुरू हो गया। मामा की बेटी के ये लोग ये सब बाद में भी बता सकते हैं ना पापा, पहले इन्हें क्या चाहिए वो देखिए। हाँ तो पूछो ना, थोड़ा चिकन दे दो। आराम से खाओ बेटे, आराम से, आराम से। क्या हुआ बेटा, खाना नहीं खा रहे हो, अच्छा नहीं लगा क्या? माँ की याद आ गई जी, मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया, माँ को ऐसा खाना खिला पाऊँ ये मेरा सपना है। उसमें क्या हुआ, अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगी। ए तू चुप रह, बुरा मत मानना, ये कुछ ज्यादा बोलती है। हाँ, आखिर बेटी तो आपकी ही है। क्या बोला, क्या बोला? आपकी बेटी किस कॉलेज में पढ़ती है? राजलक्ष्मी कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रही हूँ। जी बस
बहुत बहुत थैंक्स आपको। इतनी सी बात के लिए थैंक्स क्यों? जी बात वो है कि उस दिन अगर आप पुलिस को नहीं बताती तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाता। आपकी गलती नहीं थी ना, मैंने तो जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच जी था। वो अनजाने में ही धक्का लग गया पता है जी। जी जी अनजाने में ही धक्का लगा था। वही तो जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ। आप राजलक्ष्मी कॉलेज में पढ़ती हैं क्या? जी हाँ। आपसे कुछ पूछूं बताएंगी? पूछिए। वो ए सुरी इधर आ। क्या रे, 1000 रुपए बोलता है और 500 रुपए देता है, बाकी के 500 कौन देगा? चल निकल। कहाँ बेबो? सब स्कूल में है। ये क्या बोल रहा है तू? उन्हें वहाँ किसने रखा? अरे वो लोग खेल में जीत गए ना, इसीलिए खिलाड़ियों के साथ उन्हें स्कूल में ही रखा हुआ है। ए? वो कैसे जीत गए बे? सच में यार, जो पिया उसका नशा ही उतर गया। चलो उन्हें अभी खत्म करके आते हैं। नहीं बे, स्कूल में खिलाड़ी भी होंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो लोग गलती से जीते हैं, दोबारा जब वो हारेंगे उन सबको रास्ते में ही खत्म कर देंगे हम लोग। तब तक शांत रह तू। दूसरे गांव से आके कमीने मेरे हाथों मरने के लिए आए हैं। वैसे कौन से स्कूल में है वो? इधर आ जा। बैंड 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 बैंड, ऐसे हाथ रख के पुश पुश करना होगा। ओके सर। अरे भाई तुझे वो आता है क्या? वो क्या? चल मेरे साथ। अरे ए चलना, आ जा। हाथ छोड़, वहां खड़े हो जा। अब देख। हाँ बोल। अच्छा सुन, तुझे जंप करना नहीं आता है ना? जंप कैसे करते तुझे अब मैं सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना। हाँ, ठीक है। जा। थोड़ा और झुक। बड़ा आया कबड्डी खेलने वाला। रेडी है क्या? हाँ रेडी हूँ। क्या रे मोटे, पोज देना भी नहीं आता है, ठीक से पोज दे। और झुक। हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा और झुक जा, बस इतना। और देख, और झुक ना। और कितना झुकूं? हाँ रेडी, आ रहा हूँ मैं। क्या रे मोटे, 2 मिनट तू झुक नहीं सकता है? ये कबड्डी खेलेगा नहीं, तू है तुझ जैसे आदमी पे। हाथ पकड़ो। तुझे कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स करण, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तू जानता है इसके बारे में? किसके बारे में? यही। पैडी पैडी, ये कौन सी क्लास है? छठवीं क्लास है रे। क्यों? मेरी बेटी 2री में है, मेरा बेटा 4थी में है और मैं सीधा 6वीं में। लोगों को इस बारे में मालूम चलेगा तो कितने खुश होंगे सबके सब। सोए आदमी को उठा के ये सब मुझे ही बताना था क्या? हमें पहले ही पता चल चुका है। वैसे अपना खेल कब है? परसों रात को। तो फिर कल रात को? कल रात को हैदराबाद टीम और उंगल टीम के बीच में मैच है यार। कमन वॉयस। राजेश सर, ये मैच तू खेल। ठीक है सर। बद्री तू रेस्ट ले ले, तेरे बदले राजेश खेलेगा। ठीक है सर। क्यों सर, नए लड़कों को खेलने को कह रहे हैं? बद्री को खेलने दो ना सर। सेकेंड राउंड है ना, खेलने दो, राजेश की भी प्रैक्टिस होगी। ये क्या है सर, सब आप ही डिसाइड करोगे तो कुछ मुझसे नहीं पूछेंगे क्या? आखिर मैच टीम का कैप्टन हूं सर। अरे यार शांत हो जा। तो चोपड़ा क्या हुआ, तू फालतू में टेंशन क्यों ले रहा है? आप टीम के कोच हैं तो आप जो कहेंगे वो हमें मानना होगा क्या? आखिर आप हमें समझते क्या है? उस दिन भी आपने वहां पर सबके सामने डांटा हमें, हमारी भी इज्जत है सर।
बेवजह टॉर्चर नहीं सहेंगे। दिनेश, तुम्हें पता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है सर, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है सर। हम प्लेयर हैं सर, कोर्ट के अंदर हम ही मेहनत करते हैं सर। हम मेहनत करके खेलेंगे तभी आप जैसे कोच की इज्जत होगी सर, ये बात आप जान लीजिए। ए बद्री, ये मैच तू खेलेगा? बद्री, ये मैच तू नहीं खेलेगा। अगर बद्री नहीं खेलेगा तो हम में से कोई नहीं खेलेगा सर। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रहा है? कोई बात नहीं सर, मैं नहीं खेलूंगा। What happened? What's the problem? सर, अगर ये कोच होंगे तो हम में से कोई नहीं खेलेगा। Cool down, दिनेश, cool down. सर, ये सीनियर प्लेयर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये अगर कोच रहेंगे तो हम नहीं खेलेंगे सर। कोच के बिना कैसे होगा? हमें कोच नहीं चाहिए सर, हम पे भरोसा करके खेलने दीजिए, नहीं तो इन्हें खेलने दीजिए। सर, टीम वेटिंग। 5 मिनट्स। सॉरी प्रकाश, ये मैच अगर नहीं हुआ तो सबके सामने अपमान होगा। कम ऑन बॉयज। इसलिए ज्यादा खेलना नहीं चाहिए। नहीं रे, तू ही ज्यादा खेल रहा है। हाँ, हम खेल जीत के कप लेंगे और तुम बैठ के ताली इस बजाना। कप तुझे नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर हम लीड कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास करो। और हाँ, जब वो रेड डालेंगे तब संभल के खेलना। इस बार रेड के लिए वो सूर्य आएगा तो उसका हाथ तोड़ दो। बेचारा सर, इस जस से खेलेंगे तो हमारी हार होगी, जो कहा है वो करो। सूर्य को भेजो। सूर्य तुम रुको, शेखर तुम जाओ। जावे कबड्डी 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 वेरी गुड। कबड्डी 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 कबड्डी। हे सुरीक, हे सुरीक, हे हे सुरीक, 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 हे सुरीक। क्या हुआ बेटा, बड़ी जोर से चिल्लाए तुम? बहुत दर्द हुआ सर। अब चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही ना सर? सच है, एक बार मैं भी तुम्हारी उम्र में पेड़ से गिर गया था, हाथ टूट गया था मेरा। उसके बाद पट्टी बनवाने के लिए बहुत तड़प रहा था मैं। उसके बाद मेरे लोग आके मुझे कार में हॉस्पिटल ले गए। अरे आइए 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 सर, मैच डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, कंधा सूज गया था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया, कल ले जा सकते हैं इसे। सर मैच का क्या हुआ? मुझे पता था हम ही जीतेंगे सर। ए, इसकी शक्ल देखो कितना खुश है। हाँ यार। दवाई की दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी दवाई लेकर आइए। सर आप लोग बातें कीजिए, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है, कल फाइनल मैच है, तब तक तुम आराम करो। ठीक है सर। ठीक है, हम चलते हैं। ओके, तू आराम कर। ठीक है भाई। शेखर। हाँ सर। सब लोग रूम में जाकर आराम करो और सुबह ग्राउंड में आ जाना। ठीक है सर। सर सूर्य अकेला है, मैं साथ में रुक जाऊं सर? ठीक है, ठीक है सर। फाइनल में तो तुम्हारी ही टीम जीतने वाली है, उसके बाद शादी करने वाले हो ना? हाँ जी, मेरी माँ की भी यही इच्छा है। लड़की भी मेरी माँ ने पसंद कर ली है। हाँ? रिश्ता भी तय हो गया है। चलती हूँ। क्यों रे, तूने से झूठ क्यों बोला? ए, ये लड़की मन ही मन मुझसे प्यार करने लगी है यार। असल में मैं इससे बात इसलिए करता हूँ कि जो लड़की मुझे यात्रा में मिली थी वो और ये एक ही कॉलेज में है।
सोच रहा था इससे उसके बारे में कुछ पता चल जाएगा, इसलिए पागलों की तरह बात मत कर, ये सब कुछ नहीं होगा, उस लड़की को भूल जा। अगली यात्रा में वो आएगी यार, जरूर आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम आओगी ना? तुमको पता है भाई, अपनी टीम है ना, भीमली कबड्डी टीम, उसने सबको प्रतियोगिता में हरा दिया। क्या कबड्डी ही ना? हाँ। इतने सालों से हैदराबाद ही जीत रही थी, अब ये जीत रहे हैं बस। क्या कर रहा है? हैदराबाद पे भरोसा करके बहुत पैसा लगाया। अरे सर आप बेवजह डर रहे हैं, हमारा पेंटी में जीतेगा। अरे चुप हो जा, वो प्रकाश उन्हें कबड्डी सिखा रहा है। वो सूरी जब खेलता है तो कबड्डी खेलता है ऐसा नहीं लगता, लगता है भूखा शेर शिकार पर निकला है। आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ गया, फाइनल में सूरी नहीं खेलेगा, ठीक है ना? बेटा तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा डॉक्टर से बात करके थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? ठीक है, चल इसमें चलते। यार तू बस अभी आया हो यार, तुम लोग खेल में जीत रहे हो, पूरे गांव में इस बात का पता चल गया है, इसलिए सब आ गए हैं। सबके घर वाले आए यार। वैसे सूरी और अमर कहाँ है यार? ए, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? ए, उन दोनों को बाहर निकाल। ए, रंगा के आदमियों के साथ तुमने झगड़ा किया, चलो उतरो, जल्दी उतरो, मारो इनको। ए, पकड़ो, भागने ना पाए, जल्दी जल्दी, भागने ना पाए। मार डालो इन्हें। अरे नरसिम्हा तू क्या कर रहा है यहाँ पर, उठ आ जा, उठ। अरे भाई ये सब अपने ही आदमी है। ये क्या कह रहा है तू? कबड्डी खेलने वाले यही लोग हैं। ए यहाँ, अबे अपने आदमी को मरवाएगा बेवकूफ कहीं का, चल जा, चल नरसिम्हा आ जा, पियेंगे साथ में। आइए बता चखना खाएगा क्या खाएगा। क्यों सूरी, तूने नहीं सोचा कि मैं यहाँ आऊंगा? आते ही तुझे मार डालने की सोच रहा था, लेकिन इस गांव में आकर तुमने अपने गांव का कितना बड़ा नाम किया है। अगर तुमने ये खेल नहीं जीता तो बोलना मत, मेरा पुराना हिसाब बाकी है। चेंज भाई, कहा था सूरी नहीं आएगा, वो तो आ गया। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। सर प्लेयर्स की लिस्ट मांग रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। चेंज
सूरी अगर खेला तो पूरा नाम सूरी का ही होगा। कुछ भी करके उसे खेल से बाहर निकलवा दे। ए भाई, हम दोनों एक हैं, सोच ले। हट, ये फालतू की बातें मेरे साथ मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पागलों की तरह बात मत करो, रेलवे टीम को प्लेयर्स चाहिए। ऑलरेडी कड़प्पा हैदराबाद से दोनों को ले लिया है और एक जगह खाली है। उसके लिए सूरी और तुम्हारे बीच कंपटीशन है। उसे अगर अभी से ही हटा दोगे तो अकेले तुम ही बचोगे। चेयरमैन अपना आदमी है, मैं उससे बात करूंगा। रेलवे से खेलेगा तो नौकरी मिलेगी, इज्जत, सोच ले। क्यों सूरी, हाथ में दर्द है क्या? थोड़ा दर्द तो है भाई। तू दर्द में कैसे खेलेगा, तू रेस्ट कर। बात वो नहीं है। गणेश, इस मैच में तू खेलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा यार। तुझको दर्द है ना, तू रेस्ट कर। कहीं कुछ हो गया तो तेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? दर्द कम हो गया, मैं खेल सकता हूँ। ए, मैंने बोला ना, इस मैच में गणेश खेलेगा, तू रेस्ट कर, जाना। भाई क्या है? सूरी को खेलने दो ना, आप बोलते हो तो मैं हट जाता हूँ। तू हट जाएगा तो कॉर्नर में कौन खेलेगा बोल? उसका एक हाथ खराब है, कहीं कुछ हो गया तो। चल जा, जाके प्रैक्टिस कर। चलो प्रैक्टिस करो। कहा था ना। क्या हुआ सूरी, प्रैक्टिस छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला है कि ये मैच मैं नहीं खेल सकता। किसने बोला? शेखर ने। हे शेखर। सर क्या हुआ सर? क्यों सूरी को खेलने से मना क्यों किया? बोलते क्यों नहीं? उसके हाथ में दर्द है सर। नहीं है सर, इसे कुछ नहीं होगा, खेलने दो। वो बात नहीं है सर, मैच में सारा जोर हाथ पर ही पड़ेगा, कहीं कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, सूरी को खेलने दो। नहीं सर, गणेश ही खेलेगा। नहीं शेखर, तुम सब एक ही सेट में अच्छे फॉर्म में हो, उसे मत बदलो, ऐसे ही कंटिन्यू करो। अच्छा सुनो, सूरी रेट पे नहीं गया तो हमारा ही नुकसान होगा, समझ रहे हो? क्यों, हम रेट नहीं डाल सकते क्या? हम रेट डाल लेंगे सर। मैं ये नहीं कह रहा है कि तुम नहीं डाल सकते, लेकिन वो साथ होगा तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी। मैं गणेश के साथ मैनेज कर लूंगा सर, वो काफी अच्छा खेलता है, सूरी नहीं चाहिए सर। तुम सूरी को क्यों मना कर रहे हो? नहीं सर, सूरी नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए ये बताओ। नहीं चाहिए सर। और मैं कह रहा हूं कि सूरी खेलेगा, सूरी जरूर खेलेगा। ये कहने वाले आप कौन होते हैं? नहीं यार। ए, तू शांत रह, मैं कैप्टन हूँ, मुझे पता है किसको टीम में रखना किसको नहीं। इनके ऐसी बर्ताव की वजह से हैदराबाद टीम से इन्हें निकाल दिया। सर के बारे में गलत बात मत करना, सर नहीं होते तो हम खेलते भी नहीं। इसलिए ये जो कहेंगे उस पे हाँ बोलना पड़ेगा। ये कहीं के तोप है क्या? सर को उंगली दिखा के बात मत करो तुम। क्या करेगा तू? तुम्हारी उंगली काट के फेंक दूंगा। सूरी शांत हो जाओ। सूरी को मना करने के पीछे कारण क्या? वो नहीं चाहिए सर। उन्होंने कितने पैसे देने के लिए कहा है? पैसे क्या, मैं इसकी तरह मजदूर नहीं हूँ, मेरी सात पीढ़ियों को भी काम की कोई जरूरत नहीं है सर। तो और कुछ देने के लिए कहा है क्या? बोलो, कुछ और लालच दिया है क्या? बोलो। देखो सर। बोल ना, किसने कहा? सर लिमिट में रहो। रेलवे में नौकरी देने के लिए कहा क्या, या कस्टम में भर्ती करेंगे ऐसा कहा? सर मेरा हाथ उठ जाएगा आप पर। बोल ना, उन्होंने तुम्हें क्या लालच दिया है, बोल बोल ना। hey, हमारे आदमी पर हाथ क्यों उठा रहे हो? देखो ठीक नहीं होगा। हराम बोल। क्यों रे, पॉलिटिक्स कर रहा है यहाँ? यहाँ अगर तूने गंदगी फैलाई ना तो हाथ पर तोड़ दूंगा। तुम जैसे छोटे कीड़ों के कारण ही सब कुछ बर्बाद हो रहा है। प्लेयर्स के बीच झगड़ा करवाना ही तेरा काम है क्या? आज के बाद यहाँ आस पास भी नजर आया ना तो चीर के रख दूंगा। चल निकल यहाँ से। बेटा वो एक बड़ा फ्रॉड है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी बात मत मानो। तुम सब मिलके खेलोगे तो जरूर जीतोगे। तुम चुप करो, एक बार जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। hey, सूरी खेलेगा, सूरी के साथ खेलना है तो खेलो, नहीं तो यहां से। अरे रुक, मैं भी आ रहा हूं। hey, आदि, अगर तू आज गया ना तो कभी गांव वापस नहीं आएगा। चल हट। हम तो पांच लोग हैं सर, अब क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, टीम वेटिंग। सर मेरे पहचान का एक आदमी है, अच्छा खेलता है, उसे बुला लें क्या? ठीक है, बुलाओ। पांडू बाबू इधर आइए। क्या सॉरी, हमारी टीम में दो लोग कम हो गए, आप खेल लो ना। सॉरी सर, मैंने पी रखी है। सर सर मैं खेलूंगा सर। क्या बात है, हाथ से चांस दीजिए। तेरी तो ठीक से खड़ा नहीं होता और कबड्डी खेलना है इनको, चल जा यहां से। राजेश सर यहां। सर इनके साथ खेलेगा क्या? खेलूंगा सर।
ए, सुनो, शेखर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ए, पिचर्ड। टॉस जीता है हैदराबाद पेंटिप्री। बोथ द टीम्स हैदराबाद टू रेड। अरे शेखर, खेल शुरू हो गया है और तू यहाँ पर है? तुझसे ही पूछ रहा हूँ। तुमने तो कहा था उनके साथ मत खेलना। ए, सब कुछ भूल के हम खुशी से खेल देखने के लिए आए हैं और तुम? छी, तू इस जन्म में नहीं सुधरेगा। अरे शेखर, गलती कर दी लगता है। ए, चला। वन पॉइंट। भाई, उसने सच में मारा यार। सॉरी सर। क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर, माँ नहीं आई तो। तेरी माँ ये सोच रही होगी कि तू जीत कर आएगा। जा खेल। We'll be right back.
खेल अभी रोमांचक मोड़ पर आ गया है। दोनों टीमें 21 पॉइंट्स पर हैं। इस खेल में कौन जीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आखिरी क्षणों में पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा। लास्ट रेट कबड्डी 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 कबड्डी। बेबीले ने हैदराबाद पर विजय प्राप्त कर ली है। आखिरी समय में शामिल होने वाली फैमिली की पेंटिम ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। हर साल विजय होने वाली हैदराबाद पेंटिम को हराकर कबड्डी की यह प्रतियोगिता उन्होंने अपने नाम कर ली है। फैमिली गांव वालों, इस बार जात्रा और त्योहार एक ही बार आने के कारण इस बार जात्रा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें जरूर शामिल हो। कबड्डी 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 सॉरी प्रकाश, ही इज नो मोर। सॉरी
छोड़ दो, क्या हुआ मेरे बेटे को? सुनी मत बेटा, तेरी माँ कह रही है आगे गोल मेरे बच्चे। भगवान क्या हो गया मेरे बेटे को? थोड़े भी ले गए थे ना उसे अपने साथ, क्या हो गया उसे? सुनी बेटा, बेटा हाँ गोल बेटा, सॉरी सॉरी बेटा, बेटा अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तो सॉरी। ए, उस लड़के के पीछे क्यों घूम रहा है? वो लड़की हमारे सूरी को ढूंढ रही है। ए, क्या कह रहा है तू? हाँ यार, इस लड़की से अपना सूरी प्यार करता था। प्यार किया है? पर सूरी मर गया, ये बात उसे पता है क्या? नहीं पता है भाई, वही बताने के लिए जा रहा था। पागलों की तरह बात मत कर, सूरी हमसे दूर हो गया तो हम हर रोज दुखी होते हैं। उस लड़की को वो इस यात्रा में नहीं दिखेगा, आने वाली यात्रा में भी नहीं दिखेगा। धोखा दिया है ऐसा सोचने दो या कुछ और सोचने दो। कम से कम उस लड़की के मन में तो अपना सूरी जिंदा रहेगा यार।